गोला पे खा रहा भाई यो खा रहा डोंगा दूध गाड़ी किसके आदमी डोंगा तुझे ही तो देखता मैं जाने क्यों भी तो देखा अरे यार मम्मी तो ले ले यार दही और मीठी चटनी के और गाड़ी में मम्मी भी बैठी है ये मोमोज की दुकान है मैं तो खा लिया गोलगप्पे थोड़ा बहुत और देखता हूँ क्या खाना है वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग गाइस और फ्राइड राइस खा लो चाय पी लो तो अभी हम आज जा रहे थे रोहतक किसी काम की वजह से लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया तो हमने सोचा कि हमें एक काम और था तो पहले वो भी निपटा लेते हैं रोहतक का काम कल या परसों निपटाएंगे भाई लेट हो गए ज्यादा 4:30 हो रहे हैं अभी रोहतक निकलेंगे 60 किलोमीटर है जाने जाने में टाइम हो जाएगा फिर आने में फिर और आज हमारे साथ हमारी मम्मी जी ये देख रहा हूँ मैं अपनी मम्मी जी को लेकर कितना खुश हूँ मोम है मेरी मम्मी नहीं है मम्मा है मेरी तो रोहतक को हमने कैंसिल कर लिया कैंसिल क्या पोस्टपोन कर दिया रोहतक का प्लान पोस्टपोन कर दिया हमने अभी हम जा रहे हैं फ्लैट पे वहाँ से एक सामान उठा के द्वारका निकलेंगे वहाँ पे एक दोस्त को वो सामान देना है फिलहाल तो आज का यही काम है उसके बाद देखते हैं क्या करना है फिलहाल मैं खा रहा हूँ फ्राइड राइस तो मिलते हैं फ्लैट पे मस्त लग रहा है ना झंडा तैयार होके निकले थे रोहतक के लिए और बस फिर लेट हो गए तो क्या ही जाते अंधेरा हो जाता आते आते तो अब देखते हैं बाद में वो लेकिन फिलहाल ये जो एक काम है ये कर लेते हैं देख रहे हो और ऐसे देखो फरारी के जूते पहन के आया क्या भाई कहीं मिलने थोड़ी जा रहा था किसी से कोई ना भाई ना हुआ काम कोई ना ना हुआ काम मम्मी देख रहे हो बिगड़ रहा है भैया पहचान नहीं रहे हो प्लेट नंबर बता दो A2203 A2203 स्टिकर लगवा लो इसमें छह गाड़ी के ज्यादा है ना फिर किसी से लगेंगे छह गाड़ी है छह स्टिकर लो यार देखो गाड़ी की हालत देखो धूल मिट्टी इतने दिनों बाद निकले तो क्या हालत हो गई है गाड़ी में ब्लैक कलर की बस यही दिक्कत है दिखने में तो सेक्सी लगेगी लेकिन धूल मिट्टी ज़्यादा चिपकती है इस पर लेकिन फिलहाल चलते हैं अभी फ्लैट पे वहाँ से सामान उठा लें चल भाई फ्लैट की हालत भी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी चैलेंजेस कर करके सारे फ्लैट का सामान फैला पड़ा है यार पर फटाफट अब जल्दी से सामान ले लेते हैं और निकलते हैं फिर सामान तो ले लिया अब फटाफट चलते हैं द्वारका इतना भी बांध ले शूलेस खुला हुआ है यार हाथ में सामान है गाड़ी में बैठ के शूलेस बांधूंगा बहुत दिन हो गए रेडबुल पिए जब से हेल शुरू करी है ना तब से तो रेड बुल बहुत दिनों बाद भाई मैं नहीं पीता अल्कोहल होता है नॉन अल्कोहलिक होती है पी ले ले नहीं भाई दारू फिर पी ले कुछ नहीं होगा मीठी मीठी लगेगी नहीं कर रहा हूँ गाइस फर्स्ट टाइम है मेरा फर्स्ट टाइम है तेरा भाई इसने एक एक बार में चार चार भी पिया एक इकट्ठे भाई बहुत पिया जा रहा है हम 10-10 रेड बुल लेते थे एक साथ मैं एक भाई है मेरा विकास परजोल हम तीनों भाई 10-10 रेड बुल लेते थे सुबह पीते थे और शाम तक है ना ड्रिंक कोई पीते नहीं थे पानी बिना रेड बुल तीनों दीवाने थे हम तो गाइस एक चीज और बताओ अब नेक्स्ट टाइम हॉन्टेड व्लॉग बनाना चाहिए हॉन्टेड प्लेस पे जाना चाहिए या क्या बनाना चाहिए कमेंट्स में बताओ यार या इंस्टाग्राम पे बताओ भाई क्या बनाऊं मम्मी वो जगह दिखाऊं जहां वो टोटके वाला सीन हुआ था वैसे हमने मम्मी उस दिन सही करा था टोटके वाले को छेड़ के गलत करा क्यों नहीं छेड़ना चाहिए किसी को कुछ भी ना टोटका तो छेड़ना नहीं चाहिए मम्मी फन भी तो चाहिए लाइफ में डीएम भी आए कैमरे लग रहे सामने अरे कम है चालान कटवा लग रहा है यार क्यों हो गया गाड़ी में नाम है मैं अपना भर दूंगा देख रहे हो रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है चलान कटवा लग रहा है गलत बात रूल ब्रेक करूंगा भाई और बोल
सुंदर लग रही है मम्मी आज, है ना? मम्मा है ही सुंदर, है ना मम्मा? मम्मी और उज्जवल का ना एक ही हाल है, चढ़ाने में बहुत जल्दी चढ़ जा। मम्मी कितनी सुंदर, मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, और तो बेटा कितना सुंदर लग रहा है देखना। तो अभी ले रहे हैं नारियल पानी, और ये है मम्मी का मलाई वाला। लो पकड़ो 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 जल्दी खिड़ जाएगा। और हमारे दो पानी वाले डिटॉक्स हो रहे हैं भाई। एक और ले। सामने एक्सीडेंट हो गया शायद क्रॉसिंग करते वक्त, वैसे लगी नहीं शायद किसी को। चलो जब से पैर में मोच आई थी ना, जिम जाना बंद हो गया, और तब से लेके मैं जिम ही नहीं गया। एक दिन गया था, फिर पैर में दर्द शुरू हो गया, तो अभी जिम नहीं जा पा रहा मैं, तो नारियल पानी भी नहीं पी रहा। आज बहुत दिनों बाद नारियल पानी पिया मैंने। बस कर भाई। एक एक बूंद निचोड़ेगा क्या? ये चीज सही हुई कि किसी को चोट नहीं लगी भाई। आजकल की दुनिया में ना किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब इतनी जल्दबाजी में है ना, कोई मतलब वेट करके कोई खुशी नहीं है, पेशेंस ही नहीं है लोगों में। ठाली भी दुनिया सारी है, जैसे ये ठाली है, लेकिन पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, एक पैसे का भी पेशेंस नहीं है इसमें। भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, 12 साल यूनिवर्सल गाड़ी चला रहा हूं, एक्सपीरियंस भी तो लाओ। एक्सपीरियंस भी रखा रह जाता रोड पे है ना भाई। हां भाई चल ठीक है मेरी एक्सेप्ट कर। वेट करके रेड लाइट पे वेट करके कोई खुशी नहीं है, जैसे ये हर रोज रेड लाइट तोड़ता है। यार तो यार शर्मिंदा कर रहे हो गाइस। तो अब हम औरों की क्या बात करें। जो हमारी पिछली गाड़ी थी ना उसके हमने चालान चेक करे, इतने हजारों के चालान है उस गाड़ी पे, कितने तो मुझसे स्पीड ओवर स्पीडिंग के ब्रेक हो रहे हैं, और ये तो इसका तो क्या ही कहना, इतने चालान हो रखे हैं रेड लाइट ब्रेकिंग के, और ये जो कि गलत बात है। पर भाई हमारे अंदर ही पेशेंस है, सही बताऊं ना, लोगों में सही में पेशेंस नहीं है, लोगों में हम भी आते हैं, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि गलती करते वक्त पता नहीं रहता कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता ना तो लाइफ खराब हो जाती है। मैं तो बहुत सेफ चलाता हूं गाड़ी, ठीक है, मेरे को तो सीट बेल्ट पे बहुत सेफ, मेरे को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है ओवर स्पीडिंग गाइस। शिट मैन। तो आ गए हैं दोस्त के घर के पास, अभी उसको मैं फोन कर लेता हूं कि मैं पार्क के पास आ गया हूं, उसको मैं बुला लेता हूं, वो सामान ले जाएगा। तो सामान तो दे दिया, और इतना फट्टू दोस्त है ना कि मतलब कैमरे के सामने आया ही नहीं, कह रहा भाई रहने यार रहने, मैं नहीं आ रहा। ये कैमरे से है ना शर्माती है दोनों बहुत है ना। तो मतलब मैंने उसे इतना बोला कि क्लिप बनानी है, क्या हो गया? कह रहा नहीं यार रहने देना भाई, मुझे शर्म आती है। मैं ठीक है यार, एक नंबर का नंग है, कभी चोरी से बनाऊंगा उसकी क्लिप। अभी फिलहाल जा रहे हैं एक बार वेगास मॉल में जाना है, वहां पे मुझे ना एक बार एक जैकेट देखनी है। वैसे तो सर्दियां जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक जैकेट लेनी है, तो वहां पे घूम लेते हैं, और ये भी देख लेगा ऐसा कुछ चाहिए होगा तो मम्मी भी चलेगी, एक बार वेगास चलते हैं अभी। वेगास में हो रही है एंट्री। आज संडे वैसे भीड़ है, देखो कहाँ देखूं, सामने यूनिक्लो है, वहां से देखते हैं कुछ, यूनिक्लो देखते हैं। चल यूनिक्लो तो देखते हैं, कॉफी ले, स्टारबक्स पहले ही अपनी कॉफी ले ले, उसका मन कर रहा है बहुत दिनों बाद। स्टारबक्स में भीड़ देखो आप, मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि मैं अपना पर्स वॉलेट तो फ्लैट पे ही भुलाया, मैं अपना पर्स फ्लैट पे भूल गया, मैं उज्जवल का लेने आया हूँ। ये नारियल भी फेंकना है, चलो फटाफट चलते हैं। सामान लेने के चक्कर में मैं अपना वॉलेट फ्लैट पे ही भूल गया, अब मैं पार्किंग में आया था उज्जवल का वॉलेट गाड़ी से लेने, तब तक वो अपनी स्टारबक्स की कॉफ़ी ले रहा है, फटाफट ऊपर चलते हैं। हुई नहीं अभी ना, हुई
आज बहुत ज्यादा रश है यार, संडे है ना। उसको अलाउड ही नहीं कर रहे अंदर आने के लिए, कॉफी ले रखी हाथ में, और स्टोर में ऐसे अलाउड ही नहीं है बाहर का कुछ खाना पीना, क्योंकि कपड़े गंदे हो सकते हैं ना, तो गार्ड उसको अंदर आने के लिए अलाउड ही नहीं कर रहा। पहली बार इतनी जल्दी इसने कॉफी पी है, पहली बार इतनी जल्दी पी है। अब कुछ देख लेते हैं अपने लिए फिलहाल। तो मम्मी गाड़ी में अकेली है, तो उज्ज्वल बिलिंग करा लेगा, जैकेट तो हमने ले ली, उज्ज्वल बिलिंग करा लेगा। एक बार मम्मी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ जैकेट लेनी थी, तो मम्मी ने बोला तुम ले आओ फटाफट, तो अभी निकलते हैं फिर। तो अभी ये लेके आ गया जैकेट, डिग्गी खोल देता हूँ मैं फटाफट, इसे इग्नोर करो। आते ही थैला भी फाड़ दिया, चल को आते हैं। चलो चलते हैं। तो अब जैकेट भी ले ली, चलते हैं। हाँ ले ली दो तीन। अभी पर्स लेने अभी चले फ्लैट पे, घर चले? नहीं जरूरी ना हो तो चलो, अभी तो वॉलेट का कोई काम है नहीं वैसे, और होगा तो उज्ज्वल का है तो सही। सही तब तक उज्ज्वल क्या? अभी वॉलेट नहीं, बाद में लेंगे, अभी कुछ लेना भी नहीं है, और जहाँ करना होगा वहाँ फोन से, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से कर देंगे। रात में विगस कितना सही लगता है ना यार। देखो कैमरा बंद होते ही ना मम्मी ने 50,000 की मना कर दी। मम्मी ऐसा क्यों कर रही हो यार, दे दो। दे तो दिए 50,000, तो ऐसा बाहर से 50 रुपए मांग रहा हूँ यार। मम्मी घूमने जाना, दे दो 50,000, मैं तो लाख देके बेचू। अभी कैमरा बंद होते ही 1 रुपए ना, तो ऐसे कह रही थी दे दो यार। वो घर तो चल, यहाँ कोई कैश बैग ले रही बम्बे, बम्बे जे दे दो यार। मम्मी ना दे भाई 1 रुपए, मम्मी लव यू सदन है, 1 रुपए ना दे मम्मी, 2 रुपए दूंगी तुझे। चल भाई छावला तक आ गए, सामने दिखा दे एक गाना, जब भी मैं गाना चलाऊंगा ना, जब भी बोर्ड आके आगे आ जाए कि भाई तुझे सुनने दो, सुना यार, सुनू यार। आप लोगों के लिए मुझे ब्लॉग भी तो बनाना है ना, कभी भी कोई भी क्लिप आ गई तो वो बनानी पड़ेगी यार। ऐसे मत करा कर यार, तुमने परेशान कर दिया। दिखाइयो गाना बिल्कुल है ना, स्टार्ट हुआ 30 सेकंड भी ना चला। कितनी चीजें सोचनी पड़ती है। चलो क्या है इस नाटक में, मम्मी बताओ। इसमें एक गृहस्थीदार, एक औरत का सब कुछ है, जो गृहस्थी होनी चाहिए हर एक को अच्छा लगता है। फेमस नाटक है, बहुत अच्छा है। इस नाटक में और मम्मी में एक चीज कॉमन पता क्या है, इसका नाम भी अनुपमा है और मम्मी का नाम भी अनुपमा है, इसलिए देख रही हो ना। रिलेटेबल कुछ नहीं है, बस नाम की वजह से देखा जा रहा है। भाई इतना पैसा कमा रहा है ना ये सीरियल, हर घर में, हर घर में अनुपमा, हर जगह अनुपमा अनुपमा चल रहा है भाई। अनुपमा का नाम पता था, अनोखा। अनुपमा का मतलब अनोखा, दोनों अनुपमा। नाटक ही अनोखा बना दिया भाई इस नाटक ने, इस सीरियल ने ना सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। हर घर में अनुपमा मिलेगी चलती हुई, हर घर में अनुपमा नाटक चलता होगा। कुछ भी कहो मजा भी आया देखने में मम्मी। मैं खुद भी देखता हूँ कभी कभी मम्मी के साथ। ये कमरा उज्ज्वल का है, बाबूजी का। देखो बोतल, कटोरी, बर्तन, मतलब सब बेड पे सब फैला रखा है। इसी में मजा आ रहा हूँ, औरों की परेशानियों में खुशी हो गए ना। तो गाइस ये तो पूरी रात हमारे घर में चलता ही रहेगा। हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बस हमने अनुपमा के लिए ले रखा है, मम्मी के लिए पूरी रात अनुपमा अनुपमा अनुपमा, बस हॉटस्टार पर कुछ चलता ही नहीं। बाकी ये ब्लॉग बस यहीं तक, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही,
बाय बाय, टेक केयर, लव यू। लव यू। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।